वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। भारत और न्यूजीलैंड का कड़ाके का सेमीफाइनल होने वाला है। ये नॉकआउट मैच भी है और नॉकआउट मैच के अलग प्रेशर होते हैं। दो तरह से ये वर्क कर सकते हैं जहन पे प्लेयर्स के, या तो वहां जाएं और एक आजाद माहौल में खुला डुला परफॉर्मेंस दें और मैच खेलें कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक पहुंचे हैं, हम डिजर्व करते हैं और मुकाबला अच्छा होगा, हम देख लेंगे। दूसरा ये होता है कि आप प्रेशर में आ जाते हैं, व्हाट इफ के बुनियाद पे, अगर मैंने कैच छोड़ दिया, अगर मैं आउट हो गया, अगर हम हार गए तो क्या होगा। सो उसमें फिर टीम्स दब जाती हैं, चाहे वो भारत हो या कोई और टीम हो। सो नर्व्स की गेम हो जाती है ऐसे पंच आउट मैच में, और नर्व्स के एतबार से दोनों का टेस्ट होगा। देखिए, भारत इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने अपनी क्रिकेट के स्पैन में इतनी सॉलिड, भरपूर, होलसम परफॉर्मेंस देखी नहीं है भारत की तरफ से। सारे बॉक्सेस टिक, जिसको हम कहते हैं। बैटिंग ना सिर्फ टेक्निकल एतबार से, एंटरटेनिंग एतबार से शानदार है, बल्कि खूबसूरती, एस्थेटिकली भी बहुत ही अच्छे ये प्लेयर्स दिखते हैं। इसी तरह से बॉलिंग कंप्लीट है, दो स्पिनर्स हैं जिन्होंने तबाहकुन बॉलिंग की है, विकेट टेकर्स हैं, रन्स नहीं रोकते मिडल ऑफ द इनिंग्स में आके, बल्कि इनिंग्स जो ऑपोजिशन की चल रही होती है उसको डिसरप्ट करते हैं, टाइट बॉलिंग और उसके बाद विकेट्स भी लेते हैं। विराट कोहली ग्रेटेस्ट रन चेजर है, देखते हैं कि सेमीफाइनल में वो किस तरह से अपना अपना काम करते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये दो वजूहात की वजह से भारत प्रेशर में आ सकता है, मगर मेरा ये भी मानना है कि अगर ये सो भी इनका दिन होता है भारत का उस दिन, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस है भारतीय टीम में और बाकी टीम्स में कि ये पकड़ लेंगे किसी भी टीम को, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड ही क्यों ना हो। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच बन सकते हैं रचिन रविंद्रा। देखिए, जैसे मैंने पहले बात की, ब्रेकआउट प्लेयर है, 23 साल की उम्र में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप की स्टेज पे, और वो भी लेट मिडिल ऑर्डर से उठ के उनको ओपन कराया गया, और रेगुलर ओपनर जो थे उनके यंग, उनको साइडलाइन करके इनको चांस दिया गया और इन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये जो बॉलिंग अटैक है भारत का, ये दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और इसके खिलाफ सेमीफाइनल में रन करना बड़ी बात होगी, मगर मैं इनको बैक कर रहा हूँ टू बी द प्लस मोमेंट ऑफ द मैच। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री, एंड ऑल्सो अवेल जैज मंथली फ्रीडम ऑफर। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच, सुपर स्ट्राइक मेरे हिसाब से शामी करेंगे। अगर इवनिंग में बॉलिंग आती है, इससे बेहतरीन सीम प्रोड्यूस नहीं कोई और फास्ट बॉलर करते, और उसके बाद साइडवेज मूवमेंट है और रिदम बहुत अच्छा है, अच्छा रन अप है, एग्रेसिव लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर, लेंथ बॉल, बाउंसर, पेस अच्छी है और फॉर्म में है, अंडर लाइट्स जो है, अगर इनकी बॉलिंग आ गई तो सबसे डेंजरस ये बॉलर बन सकते हैं, और एक नहीं बल्कि स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर सकते हैं भारत के लिए। सो कॉन्फिडेंस है, फॉर्म अच्छी है, फिटनेस भी ठीक ठाक है, और हर फेज में बॉलिंग कर सकते हैं। अभी नया बॉल नहीं करते हैं ये, अगर ये नया बॉल इनको कराया जाए एक आधा ओवर तो ये और भी ज्यादा लीथल साबित हो सकते हैं। बट भारत जो है वो सिराज और बुमराह के साथ शुरू करेंगे नया बॉल। ये नंबर तीन पे आके एक तरह से प्रेशर भी रखते हैं, उसके बाद आउट भी करते हैं, इसीलिए प्रेशर ऑफ नहीं होता है जब भारतीय बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है कि इन्होंने 9 में से 7 दफा टीम्स को बॉल आउट किया है। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे, और इनको जो जो स्ट्राइक करने में जो इनके लीडर साबित हुए हैं वो मोहम्मद शमी हुए हैं।